24 जून 2020 बिलासपुर के रोडा सेक्टर निवासी अंशुल शर्मा की मंडी स्थित उनके पैतृक गांव के समीप संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मगर मौत से पहले का अंशुल शर्मा का एक वीडियो सामने आया है। जी हां, इस वायरल वीडियो में अंशुल शर्मा कुछ लोगों द्वारा कुछ महीनों से उन्हें परेशान कर मानसिक प्रताड़ित करने और उनका पीछा कर उन्हें जान से मारने की बात कह रहे हैं, जिसके बाद अंशुल शर्मा का संदिग्ध हालत में शव मंडी पुलिस को बरामद होता है। वहीं मंडी के पदर में फेसबुक वीडियो के आधार पर मंडी पुलिस ने बिलासपुर के पूर्व विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पूरे मामले को लेकर अंशुल के पिता चमन पंडित का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि अंशुल अपने पैतृक गांव चला गया है और जब उन्होंने वीडियो देखा तो उन्हें काफी दुख हुआ कि पूर्व विधायक सहित कई लोगों के नाम सामने आए हैं। साथ ही उनका कहना है कि पूर्व विधायक सहित अन्य दो लोगों पर उन्हें कोई शक नहीं है कि वे इस तरह की घटना को अंजाम देंगे, बाकी पुलिस कार्रवाई में सच सामने आ जाएगा। बाहर से कॉल आई कि आपका बेटा कहाँ पे है, तो मैंने बोला वो तो दुकान में होगा, मुझे नहीं पता कि वो बैतरी गांव चला गया है। तो जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कहा देखो, गंबर ठाकुर जी के लिए बोल दिया गया और तिलकराज जी के लिए बोल दिया गया या पवार जी के लिए बोल दिया गया, तो मैं कहे तो बड़ी गलत बात है। और लोगों को तो मैं जानता नहीं हूँ, कुछ लोगों से मैंने सुना है कि ये लोग जो हैं इस तरीके के हैं, है जी, तो उनके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, पुलिस अपने आप देख लेगी उनका हिसाब का, है जी। तो फिर मैंने बड़ा दुख हुआ, फिर मैंने मैसेज भी किया उनको कि देखो हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, बेटे ने किस रूप में बोल दिया, कितना वो डिप्रेशन में है या उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, अभी बोल रहा है क्योंकि पागल तो था नहीं, अब बोल रहा है मेरे पीछे गाड़ियाँ लगी हुई है, अब धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला गया होगा, ये सोच सकते हैं ना जी। और उसके बाद उसने वो काम कर दिया। वहीं बिलासपुर के कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर वायरल वीडियो के बाद अब सामने आए हैं और उन्होंने इस वीडियो को उनकी राजनीतिक जीवन खत्म करने के मकसद से रचा गया एक षड्यंत्र बताया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा अंशुल की मौत की सीआईडी जांच का स्वागत करते हुए असली दोषियों के सामने आने की बात भी कही है। 2020 को अंशुल शर्मा जो बिलासपुर रोडा सेक्टर के हमारे एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार से का बेटा था, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मेरे पीछे कुछ लोग मंडी में मेरे को मारने के लिए दौड़े हैं और जिसमें मेरा नाम भी लिया जा रहा था। उसके तुरंत बाद मैंने बिलासपुर थाना में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं बिलासपुर हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बिलासपुर हूँ और मेरा ही एक ग्रुप जो है उसके पीछे वहाँ पर दौड़ा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर रिपोर्ट करवाई और उसके बाद मेरी उनके पापा से बात होगी, अंशुल के पापा से, कि ऐसा ऐसा कोई वीडियो चल रहा है। और उसके बाद फिर मैं बागी बनोड़ा के कंडेला गांव में एक डेथ हुई थी, वहाँ चल गया। तो 2-2.5 घंटे का ये जो मेरा वक्त था उस टाइम को यहाँ का था। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि एक बंबर ठाकुर बिलासपुर में भी है और वही बंबर ठाकुर उसका पीछा वहाँ कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीआईडी के जो हमारे अधिकारी हैं वो षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र जो है उनका उसका नकाब उस पर हटाएंगे और जो असली कल्प्रिट है वहाँ तक हमारी पुलिस सक्षम है वहाँ पहुँचेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जिन लोगों ने उसको मानसिक तौर पर परेशान किया, जिन लोगों ने एक मौत करके एक बेटे की जान ले ली मेरी राजनीति को तबाह करने के मकसद से, उन उस तय तक जो है पुलिस पहुंचेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है।